नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमारा हमने चैप्टर नंबर 8 किया था, मेरा परिचय, राइट। हमने उसमें हमने देखा था कि मेरा परिचय है कि हमने हमारे खुद के बारे में, हमारा नाम क्या है, हमारे माता पिता का नाम क्या है, हमारे घर में और कौन कौन रहता है, भाई या बहन या उसका नाम, हम कितने साल के हैं, वो सब कुछ हमने किया था। राइट नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग ने मेरा परिचय चैप्टर 8 किया था। इस सेशन में हम लोग चैप्टर 9 करेंगे, गिनती। तो गिनती यानी कि आप लोगों ने देखा होगा पेज नंबर 66 और पेज नंबर 67 पर हमारी पाठमाला आज करेंगे हम लोग। और पाठमाला में पेज नंबर 66 और 67 आज हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि पेज नंबर 66 और 67 की बात करें तो सबसे पहले तो गिनती, गिनती यानी कि क्या, तो नंबर 1 2 3 4 5 6, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 to 100 तक, राइट। तो वैसे ही हमारी गिनती भी आती है हिंदी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो इस जो गिनती का चैप्टर है, मैंने इसका एक्टिविटी थ्रू वीडियो बनाया है, वो आप लोगों को देखना है। फिर कैसे लिखना है, गिनती कैसे लिखनी है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम गिनती के बारे में सब कुछ नॉलेज प्राप्त करेंगे कि किसे कैसे, सिर्फ हम लोग बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ हम लोग उच्चारण की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उच्चारण, उसका उच्चारण कैसे करना है, 1 2 3 4 5, वो सब कुछ ऑलरेडी हमें सारी मात्रा हमने सीख ली है, सारे अनुस्वार अनुनासिक सब कुछ हमने सीख लिया है, ओके। ताकि अभी हम लोग जो भी बोल सकते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके। मैं बोलूंगी एक, तो आपको ऑफकोर्स लिखना आ जाएगा कि एक, राइट। फिर मैं बोलूंगी दो, तो आप लिख सकते हैं दो। बट अभी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें गिनना सीखना है। ऑलरेडी हमें आता है क्योंकि मैथ्स में हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो हम लोगों को कैसे गिनते हैं और उसको हिंदी वर्ड में कैसे लिखते हैं, वर्ड और नंबर, हिंदी नंबर और हिंदी वर्ड, हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी की अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके, कि हिंदी नंबर्स कैसे लिखते हैं और उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में आप लोगों को ये पाठमाला है उसमें सब कुछ रीड करना है, समझना है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से उसको बोलना है, वो सब कुछ ही देखना है, ओके। तो नाउ अभी हम लोग हमारा वीडियो देखते हैं जिसमें मैंने पेज नंबर 66 और 67 वो दोनों कंप्लीट करवाए हैं, ओके। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड हिंदी। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे गिनती। तो गिनती क्या है, तो ऑलरेडी हम लोग 1 2 3 4 5 कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं, राइट। गुजराती में 1 2 3 4 5, इतना इंग्लिश में अपन 1 2 3 4 5 6, राइट। तो वैसे ही हिंदी में भी नंबर्स होते हैं, राइट। तो उन नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में यानी कि शब्दों में भी लिखना आना चाहिए हमें, और हमें उसको नंबर में भी लिखना आना चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा हम लोग सिर्फ कैसे गिनती लिखते हैं, कैसे गिनती बनती है वो सब देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम उसको कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग एक बार सीख लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 1 से 10 तक की गिनती। कौन सी गिनती, 1 से 10 तक, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कितने हाथी है, एक हाथी है, राइट। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को तीन प्रकार के नंबर दिए हैं। सबसे पहला है वो इंग्लिश का 1 है, फिर 1, और उसको शब्द में लिखते हैं 1, राइट। ऑलरेडी हमने सारी मात्रा वाले वर्ड सीख लिए हैं, इसीलिए अभी हमें सारे शब्द लिखने आने चाहिए, राइट। 1, राइट। फिर उसके बाद देखो कितने लायन दिखाई दे रहे हैं हमें, यस 2 लायन दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो 2, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, 2, पहले इंग्लिश का नंबर 2, फिर 2 नंबर हिंदी में और 2, ओके, 2 लाइन है ना,
फिर कितने बोल दिखाई दे रहे? एक, दो और तीन। कितने बोल है? तीन। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? तीना। तो हमें कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की दीर्घ मात्रा, तीना। फिर आता है हमारा ये खरबूजा। कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने हैं? चार। तो वहां पर हमें हिंदी में भी उसको क्या बोलते हैं? चार। क्या बोलते हैं? चार। ओके, फिर चार कैसे लिखते हैं ये भी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि चार हिंदी में कैसे लिखते हैं। ओके, ऑलरेडी हम लोग एक बार बोर्ड में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर है कितने बलून है? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने बलून है? पांच। तो पांच, पौ जो है हम लोग बोल रहे हैं वो अनुनासिक शब्द है। पांच, तो आप उसका मुंह और नाक उसमें दोनों का उपयोग होता है, इसलिए हम पांच पौ के ऊपर अनुनासिक करेंगे, राइट। फिर देखते हैं कितने कार्टून है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? छह। क्या कहते हैं? छह। ओके, तो इसे इस तरीके से छह लिखते हैं। ओके, नाउ कितने कौन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। कितने हैं? सात। हम बार बार इसलिए बोलेंगे ताकि हमें सारी गिनती रीड करनी आ जाए। सात। फिर उसके बाद देखते कितने हैं ये टॉप भमरडो है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। कितने हैं? आठ। तो हिंदी में कैसे आठ लिखते हैं देखा आपने? ओके, राइट। नाउ कितने वायोलिन है? गिटार। एक, दो, तीन। आपको मेरे साथ साथ बोलते जाना है तो ही हमें आ जाएगा कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। नौ कितने हैं? नौ। कितने गिटार है? नौ। अभी देखते हैं ये लकड़ी जैसा है ना, गूगल जैसा, राइट। अगर हम अभी जब और लास्ट में हमारी मकर संक्रांति थी तो ऐसे सभी बजाने के लिए लेते थे ना, राइट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कितने नंबर है? कितने हैं? 10। तो 10 कैसे लिखते हैं देखा आपने? यस, ऑफ कोर्स। अभी हमारी बुक में हम देखते हैं कि हमारी बुक में भी हमें दिए हैं चैप्टर 9 गिनती का। एक बोल, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, आठ, नौ, 10 है ना। 1 से लेके 10 तक हमें यहाँ पर बोल दिए हैं। ओके, फिर देखो उसके नीचे क्या दिखा है कि ये भी पढ़ो, यानी कि हमारे 1 से 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, 14 आता है ना। तो वैसे हिंदी में भी आते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें सारी मात्रा के वर्ड आते हैं, राइट। तो अभी हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा लिख सकते हैं, इसलिए बोलना और सीखना और सुनना समझना बहुत जरूरी है। ओके, अभी हम देखो इस तरीके से हमारी बुक में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में सारे नंबर, फिर हमारे हिंदी में सारे नंबर, और फिर हमारे हिंदी के शब्द में, राइट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ओके, तो ये थे 1 से 10 तक की हमारी गिनती।
फिर उसके बाद आती है 11 से 20 तक, कहाँ से लेके 11 से लेके 20 तक। तो 11 से 20 यानी कि 11 से 20 तक, तो यहाँ पर अभी ये फ्लावर गिनते हम लोग, एक दो, या तो स्लीपिंग लाइन में गिनो या तो स्टैंडिंग लाइन में गिनो। ओके, तो आप लोगों को इजी रहेगा स्टैंडिंग लाइन में या तो स्लीपिंग लाइन। अभी हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन में गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कैसे लिखते हैं? 11। क्या लिखते हैं? 11। फिर उसके बाद 12 आता है, क्या आता है? 12। तो अभी ये फ्लावर गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बार बार बोलूँगी तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि मुझे कैसे गिनती बोलनी है। अगर बोलनी ठीक से आ गई तो हम लिख भी ठीक से लिख सकते हैं, राइट। तो ये कितने हुए? 1, 2, 12, 1, 2, 12, कितना हुआ? 12। फिर आता है 13। अभी मछली गिनते हैं, 13 है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और एक अकेली पीछे है वो 13। तो 13 बोलेंगे वैसा ही हम लोग लिखेंगे। तो ये कितनी मछली है? 13। फिर उसके बाद देखते हैं ये हैं मरगी, कितनी है? 14। अभी हम गिनते हैं इसको स्लीपिंग लाइन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। क्या आएगा? 14। कैसे लिखते हैं? 14। फिर उसके बाद 15, क्या आता है? 15। ये है लैपटॉप पीसी, तो कितने पीसी है कंप्यूटर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने कंप्यूटर है? 15। 15 द के साथ र का रूप जुड़ा हुआ है, 15। फिर उसके बाद क्या आता है? 16। कितने आदमी है यहाँ पर? देखो गिनते हैं अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने आदमी है? 16। फिर उसके बाद आता है 17। कितने आते हैं? 17। अभी हम इसको स्लीपिंग लाइन में गिनते हैं इन छोटे छोटे क्यूट क्यूट डॉगी को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने डोगी है? 17। 17 यानी कि 1, 7, 17। फिर ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, कितने हैं गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने हैं? 18। ओके, तो 1, 8, 18। कितने पत्थर हुए? 18। फिर अभी देखते हैं ये स्टार फिश कितनी है? 19। अभी इसको हम लोग हिंदी में गिनते हैं,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस। तो हो गई ना ये 19। ओके, बार बार मैं इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी ऐसे गिनते रहना है। ओके, फिर 20। तो अभी ये फ्लावर गिनते हैं कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। राइट, तो 20। तो ये हो गए 20 फूल। ओके, अभी देखो इस तरीके से आप लोग, मैंने यहाँ पर ये स्क्रीन दी है तो आप लोग इसको भी काउंट करके गिन सकते हैं। राइट, देखो हाथी कितने हैं, फिर ये जो टोप दिए वो कितने हैं, टेडी कितने हैं, योयो कितने हैं, बटरफ्लाई कितने हैं, स्टार कितने हैं, लॉलीपॉप कितनी है। राइट, ये जोकर है कितने हैं, बलून्स कितने हैं, फ्लावर कितने हैं। राइट, इन सबको आप लोग गिन भी सकते हैं। इस स्क्रीन को आप लोग पोज कर दो और फिर गिनो। अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गिन के लिखा हुआ दिया है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ओके, तो अभी हम लोग बुक में भी लिख सकते हैं। राइट, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अभी देखो हमारी बुक में, हमें बुक में हमें पेज नंबर 67 पर हमें दिया है एक छोटा सा अभ्यास। राइट, उस अभ्यास में क्या दिया है कि हमें पहले को कितने कितने हैं वो आप लोगों को गिनना है और फिर लिखना है। जैसे कि एक दो और तीन के लिए, कितने के लिए, तीन के लिए। फिर बोल देखो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कितने बोल है, नौ। फिर कुर्सियाँ कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, कितनी कुर्सियाँ है, पाँच। और ये बेड कितने हैं, दो। तो एक दो, तो वहाँ पर लिख देना है दो। अभी पेड़ देखो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितने पेड़ है, सात पेड़ है। तो आप लोगों को उसमें लिखना है सात पेड़। राइट, तीन नौ पाँच दो सात। राइट, ऑलरेडी हम लोगों को 1 से लेके 20 तक गिनती हमें कैसे बोलनी है वो आ गई है। राइट, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में वापस इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक यू। तो देखा स्टूडेंट वीडियो आपने, तो आपको समझ में आ गया कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ओके, इसमें सिर्फ एक 19 है वो संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। ऑलरेडी हम लिखना नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। फिर था हमारा पेज नंबर 67, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितने के लिए हमें दिखाई दे रहे हैं, कितने के लिए दिखाई दे रहे हैं, तीन के लिए दिखाई दे रहे। तो हमने उसमें ऑलरेडी हमें लिखा हुआ दिया ही है, तीन 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 के लिए। फिर हमें बोल दिए है, तो कितने बोल है काउंट करो, एक दो, हिंदी में ही काउंट करना है, हमें आदत है इंग्लिश में काउंट करने की, 1 2 3 4। तो इंग्लिश में काउंट नहीं करने हैं, हमें हिंदी में ही काउंट करने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, कितने हैं, नौ। राइट, हम लोग इसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे कि उसको कैसे लिखना है। ओके, नौ। फिर है कितनी कुर्सियां है, तो पांच, कितनी कुर्सियां, पांच पांच। ओके, इसका हम अनुनासिक लगेंगे क्योंकि पांच उसका उच्चारण हमारा नाक से और मुंह से होता है, पांच। ओके, फिर है कितने बेड है, तो दो बेड है,
इतने बेड है दो, फिर उसके बाद है कितने पेड, तो सात पेड है, कितने पेड है सात। ओके, तो ये था पेज नंबर 67 के आंसर। ओके, तो ये आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, काउंट करने हैं और फिर लिखने, ऑलरेडी सब कुछ सबको उसको आगे से देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 1 से 11 तक हम लोग अभ्यास पुस्तिका भी करेंगे और 1 से 11 तक उसको कैसे लिखते हैं नंबर्स और वर्ड्स में, शब्द में, वो दोनों हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और गिनती हम लोग उसमें भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।